हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद आज फिर से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वन लाइनर टेक न्यूज़ वाला एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। तो आज हमारी वन लाइनर टेक न्यूज़ का ये 86th एपिसोड है। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरे दिन भर की कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज़ लेकर आया हूँ, और आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और दोस्तों, आपसे यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वन लाइनर टेक न्यूज़ का 86th एपिसोड। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है वो यहाँ पर वन प्लस सेवन को लेकर आ रही है कि वन प्लस सेवन का एक जो केस है उसकी इमेज यहाँ पर लीक हुई है। और इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि वन प्लस सेवन में आपको जो है रियर में ट्रिपल कैमराज देखने को मिलेंगे, जबकि फ्रंट में आपको जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यूएसबी टाइप सी पोर्ट आपको मिलेगा, और जो 3.5 mm वाला ऑडियो जैक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड न्यूज़ की तरफ। और दोस्तों, आज की सेकंड न्यूज़ आती है वीवो की तरफ से कि आप लोगों को पता होगा सैमसंग के द्वारा पिछले कुछ दिनों से जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं। तो फिलहाल वीवो भी जो है इस IPL के दौरान, आपको पता है वीवो जो है यहाँ पर IPL का स्पॉन्सर है, तो IPL के दौरान वीवो अपने दो नए स्मार्टफोन वीवो Y3 और Y5 को इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। और दोस्तों, इनका जो प्राइस होगा वो करीबन 10,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच में होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली न्यूज़ की तरफ। और दोस्तों, आज की अगली न्यूज़ आती है ओप्पो की तरफ से। आप लोगों को पता होगा ओप्पो ने अभी थोड़े दिन पहले इंडिया में जो है पिछले साल अपना जो है एक सब ब्रांड यानी कि रियलमी को लॉन्च किया था, लेकिन अब चाइना में अपना जो है एक नया सब ब्रांड जो है ओप्पो यहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है, जो कि होगा यहाँ पर रेनो। तो रेनो जो है ओप्पो का नया सब ब्रांड होगा। और दोस्तों, इसे 10 अप्रैल को चाइना में लॉन्च किया जा रहा है। तो देखते हैं कि रेनो के किस तरह के स्मार्टफोन्स यहाँ पर आते हैं। वैसे रियलमी काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर इंडिया में रहा, तो अब रेनो देखते हैं चाइना में किस तरह से पॉपुलर होता है या नहीं होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और आज की जो अगली न्यूज़ आती है दोस्तों, वो यहाँ पर शाओमी की तरफ से आ रही है रेडमी 7 को लेकर, कि फिलहाल अभी कुछ दिन पहले इंडिया में रेडमी नोट 7 प्रो लॉन्च किया गया था, तो चाइना में भी रेडमी नोट 7 प्रो तो लॉन्च किया ही जाने वाला है 18 मार्च को। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब रेडमी 7 भी लॉन्च किया जाने वाला है, और इस स्मार्टफोन में आपको 6.23 इंच का एक जो है HD+ डिस्प्ले मिलेगा। वाटर ड्रॉप नॉच जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर तीन वेरिएंट होंगे, 2GB RAM, 3GB RAM और 4GB RAM वाले, यानी कि यहाँ पर आपको 16GB, 32GB और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। और कैमरा की बात करें जो कि 12 MP का होगा, और दोस्तों फ्रंट में आपको जो कैमरा मिलेगा वो यहाँ पर 8 MP का होने वाला, और बैटरी स्मार्टफोन में 4000 mAh की होगी। और कीमत की बात करें तो दोस्तों फिलहाल इसकी जो कीमत यहाँ पर बताई जा रही है वो करीबन 8,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर आ रही एयरटेल की तरफ से कि एयरटेल ने दोस्तों एक नया प्लान यहाँ पर लॉन्च किया है, और इसका जो कीमत रखा है वो 398 रुपये रखा है। 398 रुपये वाले प्लान में एयरटेल आपको जो है 70 डेज़ की वैलिडिटी दे रहा है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और रोजाना 1.5 GB डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली न्यूज़ की तरफ। और आज की अगली न्यूज़ आती है यहाँ पर शाओमी की तरफ से कि शाओमी के कुछ एक प्रोडक्ट पर आपको जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये जो है प्राइस यहाँ पर इन तीन प्रोडक्ट का फिलहाल कट किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं Mi A2 के बारे में। तो Mi A2 का जो यहाँ पर 4GB RAM वेरिएंट है, जिसकी कीमत पहले 13,999 रुपये थी, वो अब आपको 11,999 रुपये में मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से जो Redmi Note 6 Pro था उसकी जो कीमत थी वो 13,999 रुपये थी, लेकिन फिलहाल इसका भी 4GB RAM वेरिएंट आपको मिल जाएगा 11,999 रुपये, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन पर जो है यहाँ पर 2,000 रुपये कम किए गए, जबकि जो इनके हायर वेरिएंट है जो 6GB RAM वाले वो आपको जो है 15,999 रुपये में ही मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो Mi LED TV 4C है उसका प्राइस भी कम किया गया है। पहले इसका जो कीमत था वो 13,999 रुपये था, लेकिन दोस्तों अब ये मिलेगा 12,999 रुपये में, यानी कि 1,000 रुपये यहाँ पर भी कम किए गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली न्यूज़ की तरफ। और दोस्तों आज की अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ पर जियो की तरफ से कि जियो ने अपने फाइबर नेट यानी कि जियो गीगा फाइबर को जो है यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए जो यहाँ पर डेन नेटवर्क है उसमें जो है काफ़ी अच्छे स्टेक्स यहाँ पर परचेज कर लिए। पहले 66% स्टेक्स जो है परचेज किए थे, लेकिन अब 12% स्टेक्स और परचेज कर लिए, तो करीबन जो है 78% स्टेक्स हो गए हैं रिलायंस जियो के डेन नेटवर्क में। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे रिलायंस जियो को हेल्प मिलेगी जियो गीगा फाइबर और जियो गीगा टीवी की जो इंस्टॉलेशन है उसको जल्दी स्टार्ट करने में। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली न्यूज़ की तरफ। और आज की अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ पर साइबर मीडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट को लेकर कि फिलहाल जो भी लोग मोबाइल परचेज करते हैं वो मोबाइल परचेज करने से पहले जो है यहाँ पर करीबन 89% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रेफर करते हैं
जो चेक करते हैं कि मोबाइल का कैमरा कैसा है, यानी कि आजकल जो है कैमरा यहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है स्मार्टफोन के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर आ रही है असूस की तरफ से कि असूस अपनी OMG सेल लेकर आ रहा है, और ये सेल चलने वाली है फ्लिपकार्ट पर 11 से 14 मार्च तक। यहाँ पर आपको असूस के जो स्मार्टफोन्स हैं उन पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आप असूस के कुछ एक स्मार्टफोन यहाँ पर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1,000-2,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ थी आज की वन लाइनर टेक न्यूज़। कैसा लगा हमारा टेक न्यूज़ का ये सिंपल सा एपिसोड, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।